नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा और उसके प्रकार इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा मतलब होता क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो संज्ञा का इंग्लिश में नाउन, मतलब उसे नाउन कहते हैं, उसे नाम ऐसा भी कहते हैं। तो संज्ञा मतलब नाउन, संज्ञा मतलब नाम, ये हुआ उसका सरल अर्थ। मगर उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि संज्ञा के बिना कोई भी काम आसान नहीं हो सकता है। संज्ञा है तो ही सब कुछ चल सकता है, क्योंकि यदि कोई भी हमें व्यवहार करना है, किसी से बात करनी है, तो भी हमें संज्ञा की हमेशा हर बार हमें उसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे क्लास में है, तो क्लास में हम हर बार ऐसे नहीं कर सकते उसने काम किया, उसने होमवर्क नहीं किया, इसने होमवर्क नहीं किया, वो शिक्षक नहीं आया, वो नहीं आया, हमेशा आप ऐसा नहीं बोल सकते, इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए हमें उस व्यक्ति को, किसी ना किसी चीज को कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई शब्द देना ही होता है। तो उस शब्दों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो किसी की पहचान बन जाती है, ऐसा कोई नाम जो पहचान बन जाता है, तो उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसा एक सरल उसके डेफिनेशन हम कर सकते हैं। यहां हमने और एक डेफिनेशन दिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। शब्द को संज्ञा कहते हैं, शब्द मतलब हर कोई एक शब्द, ये दो या दो से अधिक वर्णों से जो मिला हुआ जो भी है वर्ण समूह, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का ग्रुप जिसमें कुछ मीनिंग हो, उसे शब्द कहते हैं। तो ऐसा कोई शब्द, शब्द को संज्ञा कहते हैं। मगर कौन सा शब्द, जो बोध कराने वाला होता है, किसी का, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध, भाव का बोध, मतलब उसकी पहचान कराने वाला होता है, उसे कहते हैं संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का बोध कराने वाला, जैसे किसी को हमने नाम दिया अजय, तो जैसे हम अजय बोलते हैं, तो अजय से किसी व्यक्ति का हमें बोध हो जाता है, जहां मतलब पहचान हो जाती है, इसलिए उस अजय, इस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से जैसे यहां मैं लिख देता हूं अजय, तो अजय ये हुआ व्यक्ति का नाम। उसके बाद जैसे वस्तु, वस्तु, वस्तु से हमें क्या पता चल जाता है, कोई भी वस्तु, जैसे पुस्तक हो, टेबल हो, तो जैसे हम टेबल कहेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि टेबल, मतलब वो इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो हो गई वस्तु। तो पहचान, उस शब्द से उसकी पहचान हो जाती है, उस चीज की पहचान हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं टेबल, ओके। उसके बाद है स्थान, स्थान मतलब जगह, किसी जगह का दिया गया नाम। जैसे देखो, अभी हम हमेशा ऐसे नहीं कह सकते कि वह उस जगह गया, मैं इस जगह गया, तो इससे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पर। तो उस जगह की पहचान के लिए जो हमने नाम दिया है, उस नाम को कहेंगे संज्ञा। जैसे हमने कहा गुजरात, गुजरात ऐसे कह दिया, महाराष्ट्र, तो उस जगह को एक नाम दिया गया है, ये स्थान, तो गुजरात, ये हुई संज्ञा, ओके। दिल्ली, मुंबई, ओके, नगर, अहमदनगर, औरंगाबाद, संभाजी नगर, ये जो नाम दिए गए उस जगह की पहचान के लिए, इसलिए उस जगह नाम को हम कहेंगे संज्ञा। उसके बाद भाव, भाव मतलब कोई अवस्था होती है, कोई धर्म होता है, कोई गुण होता है, जैसे बुढ़ापा, ओके, ये भी एक संज्ञा हुई। तो कोई भाव, वो अवस्था को दर्शाने के लिए दिया गया नाम, तो उसे भी कहेंगे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे जवानी, ओके, ऐसे बहुत सारे शब्द, तो उसे कहेंगे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ भाव, भाव के लिए जैसे हम लिख देते बुढ़ापा। तो इस तरह से इनका बोध होता है, इनसे क्या होता है, उस व्यक्ति का, उस जगह की पहचान हो जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है संज्ञा। तो ऐसे बहुत सारे, तो आप देखिए यह संज्ञा के पांच प्रकार है, मगर हमने एक दो तीन इन्हें हाईलाइट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ विद्वान जो है, हिंदी के जो विद्वान है, उन्होंने क्या किया है, इन तीन ही, मतलब संज्ञा के तीन ही प्रकार माने हैं कुछ विद्वानों ने, और कुछ पांच प्रकार मानते हैं जो हमने यहाँ पांच दिए। तो जो तीन मानते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, वो क्या करते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक ही दो भेद मानते हैं, बस इतना ही है, मगर होते हैं पांच है, ओके। यदि तीन मानेंगे तो ये दो जो है इसमें आ जाएंगे, ये समझ लेना है। तो चलिए अब हम एक एक का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो चलिए अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक का शब्द से क्या अर्थ होता है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब खास किसी विशेष पर्टिकुलर चीज को दिया गया नाम, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिसे उसी चीज की पहचान हो जाए, व्यक्तिवाचक मतलब ऐसा कोई नाम जो उसी का ही पहचान करवा दे,
बाकी दूसरा किसी का नहीं, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे देखो, यदि मैं कहूंगा विजय को बुलाओ, तो विजय मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, तो उसी की पहचान हो रही, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो इस तरह से होता है, जैसे यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष विशेष किसी विशेष किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो किसी विशेष खास करके, जैसे व्यक्ति, जैसे हमने लिया यहाँ अजय, अजय विजय, ऐसा कोई भी ले सकते हो, रमा। ओके, रमा। ओके, वस्तु मतलब कोई भी चीज, जैसे अभी देखो कैमरा है, तो कैमरा में कैनन कैमरा, अभी कैमरा कहेंगे तो कॉमन नाउन में चला जाएगा, मगर कैनन कैमरा, तो कैनन से वही कैमरा और पर्टिकुलर वही आ जाता है। कोई भी चीज ले सकते हो। स्थान, स्थान मतलब जगह, जगह कोई भी ले सकते हो, जैसे दिल्ली है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नाम, दिल्ली है, पुणे है, महाराष्ट्र है। ओके, जगह, जगह का नाम, तो पर्टिकुलर, तो जैसे भारत, तो भारत लेंगे तो बाकी कोई देश का वहां उल्लेख नहीं होगा, भारत मतलब भारत, तो किसी विशेष देश, किसी विशेष जगह का नाम, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो है ही, मगर ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जैसे प्राणी, देखो प्राणी मतलब एनिमल, और हम भी उसमें आते हैं, तो किसी विशेष प्राणी का नाम खास करके, जैसे किसी घर में कुत्ता है, उसने कुत्ते को पाला है, संभाला है, तो उस कुत्ते को एक नाम दे देता है, जैसे बंटी, शंटी, पप्पी, तो उससे उसी कुत्ते की पहचान हो जाती है। तो इस तरह से मतलब वो खास उसी व्यक्ति की पहचान करने वाला शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, मतलब उसी की ही पहचान हो जाती है। उसके बाद हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही कॉमन नाउन के, जो कॉमन होता है उसे कहते हैं जातिवाचक। जो अपने पूरे कैटेगरी वालों को इकट्ठा कर लेता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उसकी यहाँ डेफिनेशन दी गई है, जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं? जो अपने पूरे जाति का, पूरी जाति को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हम कहेंगे नदी, नदी कहेंगे तो नदी से क्या होगा, जो भी नदियां है वो उसमें, उस नदी शब्द में आ जाएगी, इसलिए उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हम नदी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, जैसे किसान, तो किसान लेंगे तो जितने भी किसान है, फार्मर है, उसमें आ जाएंगे। मनुष्य, ओके, तो मनुष्य कहेंगे तो जितने भी मनुष्य है वो मनुष्य उसमें आ जाएंगे, तो हो गए जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। इसे कहते मोर, हाथी, घोड़ा, ये सब कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जातिवाचक का मतलब होता क्या है कि जो अपनी पूरी जाति को समाहित कर ले उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें मनुष्य है, हाथी है, हिरण है, घोड़ा है, और बहुत सारे से हम कहेंगे चेयर मतलब कुर्सी, मेज, ऐसा कहेंगे तो उसमें सब वही आ जाएंगे। ओके, मोबाइल, मोबाइल कहेंगे तो जितने भी मोबाइल है उसमें आ जाएंगे, तो ये सब हो गए कॉमन नाउन। ओके, विद्यालय, तो विद्यालय कहेंगे तो ये विद्यालय भी एक कॉमन नाउन है, विद्यालय जितने भी विद्यालय है वो उसमें में आ जाते हैं, तो ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, तो उसे क्या कहते हैं? जो अपना किसी एक समुदाय को बोध करवाता है ऐसे शब्द को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे देखो, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि समुदाय या समूह, किसी ग्रुप, सिंपल क्या है, किसी ग्रुप को मतलब किसी ग्रुप का बोध कराता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे ग्रुप मतलब, जैसे हम कहेंगे सेना, ओके, या परिवार, तो ये सभी हो जाएंगे समूहवाचक परिवार। तो ऐसे सभी शब्द, ढेर, ओके, ढेर मतलब किसी चीज का ढेर लगाया गया है, तो ढेर, ढेर मतलब वो एक ग्रुप का बोध करवा रहा है, इसलिए उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ओके, मतलब ग्रुप का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन, मतलब जो किसी धातु खनिज का बोध करवाता है, किसी लिक्विड का बोध करवाता है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखो, यहाँ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध, धातु मतलब कोई खनिज होता है कोई भी, उसका बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातु से हम लेंगे, जैसे देखो सोना है, चांदी है, ओके, सोना, चांदी, लोहा, ओके, तो ऐसा कुछ भी इसमें आ सकता है, जो भी खनिज है वो इसमें आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जैसे द्रव्य से हम ले सकते हैं यार दूध, दूध, घी, पानी, ओके, जो भी लिक्विड है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा।
उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा मतलब एक सिंपल उसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर विद्यमान या किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर होने वाली ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई अवस्था जो शब्द बताता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोभ, मोह, क्रोध, जैसे बुढ़ापा, जैसे कोई इंसान है वो बूढ़ा है, उसके अंदर बुढ़ापा मतलब वो बुढ़ापा आया है, तो ये जो शब्द है बुढ़ापा ये भी हुआ भाववाचक संज्ञा। तो जैसे देखो, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के, ऐसा कोई संज्ञा शब्द मतलब ऐसा कोई शब्द कि जो किसी वस्तु, कोई ऐसी चीज है या कोई व्यक्ति है, कोई इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके गुण, गुण मतलब उसके अंदर की अच्छाई या बुराई हो सकती है। जैसे हमें यहाँ लगते हैं वीरता, तो ये भी भाववाचक शब्द हुआ कि उस इंसान के अंदर वीरता है, ओके, शूर वीरता है, तो ये हुआ भाववाचक शब्द, ओके, भाववाचक संज्ञा इसे कहेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वीरता। उसके बाद जैसे दोष, दोष मतलब कोई बुराई हो सकती है, जैसे मूर्खता है। भाव उसके अंदर की कोई सिचुएशन, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, ये जो सभी शब्द है भाववाचक संज्ञा ही है। उसके बाद दशा, उसकी कंडीशन, जैसे बुढ़ापा है, ओके, जैसे आप बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, या मन के भाव, वही जैसे आनंद है, क्रोध है, गुस्सा है, ये सभी शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन की जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं, उसे भी हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे क्रोध है, लोभ है, ओके, तो ये जो शब्द है ये सभी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार समझ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।